हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त एडमिशन वाला हाज़िर है एक नए वीडियो में। तो चलिए थोड़ा सा ये एक छोटा सा अपडेट है मैं जो आपको देना चाहता हूँ कि एमएसटी सीईटी का बारे में, कि जो जैसे कि कहा था उन्होंने कि एक समिति या फिर एक कमेटी उन्होंने बिठाई है और कुछ उन पे पब्लिक पिटीशन भी गई थी उच्च न्यायालय में, कुछ याचिकाएं भी दाखिल हुई थी उसके फॉर्मूले के लेकर, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूलों को लेकर। लेकिन अब उन्होंने एक सर्कुलर डाला है सीईटी सेल ने और उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि टाइटल में मैंने लिखा है कि आप नॉर्मलाइजेशन समझा के भी क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को, तो चलिए थोड़ा सा इस पर हम करेंगे विचार, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए ये सर्कुलर है, आपने देखा भी होगा सभी ने, लेकिन मुझे लगा कि इसके रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करना चाहिए तो मैंने ये वीडियो बनाया। तो लेकिन पहली तो यही है बात कि अब कोई फ़ायदा, ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं होगा इसके बारे में। जैसे भी उन्होंने इस सूचना में, इस जो मराठी में दिया है उसका यही अर्थ है कि नॉर्मलाइजेशन जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था उसको पहले आपको सीईटी के पहले आपको बताया दिया था, ऐसा उनका कहना है। और जब रिज़ल्ट लग गया तो कुछ बहुत सारे लोगों का उस पर आक्षेप उन्होंने दिया था और कुछ उच्च न्यायालय जी में, माननीय उच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं भी दाखिल हुई थी। तो उसका जब रिज़ल्ट आया, वो जो उसके बारे में जो उनका, या पिछले कुछ दिनों बाद हमने वो ये भी देखा था, उनका निकाल का जो था पीडीएफ वो भी हमने देखा था, और तभी से हमें पता चल जाए कि ज़्यादा इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उसमें जो माननीय न्यायालय ने जो उनको कहा था सीईटी सेल को कि आप जो भी स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज है उनको आप सॉल्व कीजिएगा, उनका उनकी जो भी मन में शंका है तो उसको आप उत्तर दीजिएगा, तो इसके लिए उन्होंने ये आप सूचना हमें जारी की है कि आप अगर आपके मन में कुछ है शंका नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को लेकर तो फिर आप एक एफिडेविट कर सकते हो और आप आपका जो आक्षेप है उसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। उन्होंने अभी ये भी नहीं कहा कि कैसे दिया उनका फॉर्म, मुझे देखना है अभी कि क्या उनका एफिडेविट का फॉर्मेट होगा, ऑनलाइन करना है या फिर उनको सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, ये दिया नहीं है। अगर है तो मैंने तो आते समय सिर्फ यही देखा और मैं आपसे बात करना चाहा। अगर इसमें कुछ बारीकियाँ, कुछ डिटेल्स पता चलते हैं तो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इससे हमें मदद होगी। नॉर्मलाइजेशन का जो भी कुछ होगा, आपने अगर एफिडेविट किया तो आपको वो उसका जो है वो जो उनकी कमेटी है वहाँ पर वो रखेंगे और उनका जो भी कुछ होगा डिसीजन वो आपको बताएंगे वो लोग और आपको, और फिर जो उन्होंने कुछ समय दिया होगा माननीय न्यायालय जी ने उनको, तो उनको वो बताएंगे। लेकिन लगता नहीं कि फार बहुत ही कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएंगे और हमें पूरा जो सिस्टम अभी तक आया है एडमिशन का जो भी, तो वो पूरा चेंज होगा ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में है शंका तो आप ये कर सकते हो। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो था मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, मुझे तो लगता है सभी को पता हुआ होगा, बहुत जल्दी उन्होंने डाला होगा, मैंने शायद ये लेट देखा है। तो चलिए इसके बारे में कुछ शंका है तो हम करेंगे एक दूसरे से अवगत कि अगर किसी को करना है उसके बारे में कुछ शंका का प्रतिज्ञा पत्र जो कर उन्होंने बोला एफिडेविट करना है, तो देखेंगे कि कैसे करना है, उसे कहाँ से रजिस्टर करना है और उसे कहाँ पे देना है। तो चलिए बस इस वीडियो में बस इतना, जुड़े रहेगा मेरे साथ। आज बहुत सारे अपडेट आए और वो भी मैं एक वीडियो के द्वारा आपको